हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, अप्लाइड मैकेनिक। इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं मशीन की। तो यहाँ पे एक मशीन है जिसका नाम है रैक एंड पिनियन। ठीक है, रैक और पिनियन इस मशीन को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि रैक क्या होती है और पिनियन क्या होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है। ठीक, तो हम बात करें इसके वर्क की। इसका वर्क क्या होता है, किसी हैवी लोड को उठाने के लिए रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं। रैक और पिनियन दोनों कंबाइंड होकर ही एक मशीन, कंप्लीट मशीन बन पाती है। तो इसमें एक ये रैक होती है जो आपको डायग्राम में शो किया गया है। रैक क्या है, एक सीधी छड़ होती है जिस पर दांते बने होते हैं, एक खांचे कटे हुए होते हैं। ठीक है, और ये रैक, ये जो गाइड है, इस गाइड के सहारे ऊपर नीचे चलती है। गाइड इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है रैक को ऊपर नीचे चलने के लिए। जिस लोड को हमें उठाना होता है उस लोड को इस रैक के एक सिरे पर यहां पर इसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, पिनियन क्या है, तो पिनियन ये एक आपको दिखाई दे रहा है, इसको गियर भी बोलते हैं, गियर। ठीक, तो इसकी परिधि पर कुछ खांचे कटे हुए होते हैं, दांते होते हैं। ठीक है, और ये दांते इस रैक के साथ अटैच रहते हैं जैसा डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, और इस पिनियन के, पिनियन में एक हैंडल लगा होता है जिस पर हम प्रयास लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, इस पर प्रयास लगाते हैं हम, जो भी यहाँ पर ये प्रयास, ठीक है, ये प्रयास की डायरेक्शन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी बटन समझते हैं। ठीक है, बटन क्या है, जिस लोड को उठाना होता है उस लोड को रैक के एक सिरे पर बांध देते हैं, उसके बाद पिनियन के हत्थे पर प्रयास लगाते हैं। तो प्रयास जब लगाते हैं तो ये रैक, ठीक है, रैक और ये पिनियन के दांते आपस में फंसे होने के कारण ये जो पिनियन है, पिनियन के दांते इस रैक के दांते में, दांतों में फंसे होने के कारण ऊपर की ओर इसको खिसकाते हैं और इस तरह से हमारे पास लोड ऊपर के लिए अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एडजस्टमेंट किया है। मान लिया यहाँ पर पी क्या है, पिनियन पर दांतों की संख्या, जो पिनियन है, इस पिनियन पर टोटल दांतों की संख्या हमने पी मान लिया है। ठीक है, कैपिटल पी, स्मॉल पी हमने रैक की पिच मानी है। यहां से यहां तक ये रैक की पिच है। पिच क्या होती है, इन्हीं दो खांचों के बीच की डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं, चौड़ी अंतराल, जो आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। और यहां पर आर हमने पिनियन के हत्थे की लंबाई मानी है, पिनियन के हत्थे की लंबाई। पी हत्थे पर लगाया गया प्रयास है, पिनियन के हत्थे पर लगाया गया प्रयास है। और डब्ल्यू क्या है, उठाया जाने वाला भार। ठीक, तो यहां पर हम बात करते हैं कि अगर प्रयास इस पिनियन के हैंडल पर लगाते हैं एक कंप्लीट चक्र में, तो एक कंप्लीट चक्र में प्रयास यहां पर जो हमारे पास इफर्ट है, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इफर्ट इसके हैंडल पर जब लगाएंगे तो इसकी रेडियस, या फिर मैं बात करूं ये लेंथ हैंडल की है, तो कोई भी हैंडल है, अगर हैंडल इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, और इस बिंदु के पत्ता घूमने के लिए अगर स्वतंत्र है, तो हैंडल को जब घुमाएंगे तो हैंडल ऐसे घूमेगा, एक कंप्लीट चक्र ऐसे करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो ये रेडियस होने के कारण जो प्रयास पी है, क्योंकि प्रयास यहां से स्टार्ट होकर पूरा राउंड जब लेगा एक चक्र में, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2π आ जाएगी, उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर प्रयास जो है एक चक्र में इस तरह से जब चलेगा तो कितना करेगा, एक डिस्टेंस तय कर लेगा 2π आर, अपने रेडियस के बराबर डिस्टेंस तय करेगा। उसके बाद यहां पर पिनियन के एक चक्र में टी दांतों द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो पिनियन के जो एक चक्र में अगर बात करें, पिनियन के एक चक्र में टी दांतों द्वारा चली गई दूरी, तो पिनियन हमारे पास अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो पिनियन के जो दांते हैं वो दांते इस रैक के ऊपर उठेंगे, है ना। तो पिनियन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, या फिर पिनियन के द्वारा रैक को उठाई गई दूरी, ठीक है, पिनियन के द्वारा रैक एक कंप्लीट चक्कर में कितना उठ पाएगी। जब पिनियन एक कंप्लीट चक्र करता है तो उसमें रैक कितनी ऊपर को उठ पाती है, तो उसे उठाने के लिए यहां पर जो पिनियन के टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वो टी हैं, और ये जो पिच है वो पी है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस टोटल एक चक्र में कवर्ड बाय डिस्टेंस, ठीक है, पिनियन, पिनियन के द्वारा, या पिनियन के द्वारा, ठीक है, रैक कितनी ऊपर उठ पाती है एक कंप्लीट चक्कर में, तो वो कितनी उठ पाएगी, क्योंकि
पिनियन पर जो खांचों की संख्या है वो कितनी है, जितने टोटल स्लॉट्स बने हुए हैं पिनियन पर वो एक कंप्लीट चक्कर में कितने चलेंगे, एन, और एक जो स्लॉट है ठीक है रैक का वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ऊपर की, एक की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पिनियन यहां पर पिनियन के एक चक्र में ठीक है, टी धातु द्वारा चली गई दूरी ठीक है, टी धातु द्वारा रैक पर चली गई दूरी, यहां पर रैक लिखेंगे ठीक है, रैक पर चली गई दूरी ठीक है, रैक पर चली गई दूरी, तो रैक पर चली गई दूरी कितनी होगी, टी गुणे पी ठीक है, इसकी रैक की पिच है पी स्मॉल पी और टी धातु की संख्या ठीक, तो जो पिनियन है वो पिनियन रैक के लिए कितना उठा पा रहा है ठीक है, ये इतना ही उठा पाएगा जितनी डिस्टेंस चल पा रहा है ठीक, तो डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है टी इंटू पी, तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि भार द्वारा चली गई दूरी बराबर रैक द्वारा चली गई दूरी, तो जितना रैक ऊपर उठेगा एक कंप्लीट चक्र में उतना ही लोड उठेगा ठीक है, जितना रैक ऊपर उठेगा एक कंप्लीट चक्र में उतना ही भार उठेगा क्योंकि भार रैक के साथ अटैच है, तो यहां पर हमको ये देखना है कि रैक कितना उठ पा रहा है ऊपर एक कंप्लीट चक्र में, एक कंप्लीट चक्र किसका, प्रयास द्वारा पिनियन का एक कंप्लीट चक्र में रैक कितना डिस्टेंस ऊपर की ओर ट्रेवल कर पा रहा है, कितना चल पा रहा है, कितना उठ पा रहा है, तो वो कितना होगा टी इंटू पी के बराबर, तो यहां पर हम टी इंटू पी भार द्वारा चली हुई दूरी ले लेंगे, अगर भार द्वारा चली हुई दूरी हमने निकाल ली और प्रयास द्वारा दूरी चली हुई दूरी हमने निकाल ली ठीक है, भार द्वारा चली हुई दूरी हमने यहां पर निकाल ली और प्रयास द्वारा चली हुई दूरी अगर निकाल ली तो हम इसका मशीन का वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं, तो इस मशीन का वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, प्रयास द्वारा चली हुई दूरी अपॉन भार द्वारा चली हुई दूरी, तो ये इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो, अगर हमने वेलोसिटी रेशियो इसका निकाल लिया तो हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल केस में निकाल सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर आइडियल मशीन ठीक है, आइडियल मशीन ठीक है, किसी आदर्श मशीन के लिए हम जानते हैं कि एफिशिएंसी कितनी होती है 100% या 1, अगर एफिशिएंसी 1 या 100% है तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो के बराबर, जो कितना हो जाएगा ये हम निकाल चुके हैं वेलोसिटी रेशियो 2πr / ठीक है 2πr / टी इंटू पी ठीक है, टी गुणा पी, ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा इस मशीन के लिए अगर ये मशीन आदर्श मशीन है तो, एक बार यहां पर इसका मैं इस वीडियो में एनिमेशन भी आपको दिखा दूंगा उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। थैंक यू।